नमस्कार, मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लैश। गाइस, लंबे इंतजार के बाद 4 जून से बिहार में पूर्णिया चैलेंजर्स लीग का आगाज हुआ। इससे पहले उत्तराखंड में गोल्ड कप का आगाज हो चुका है और अब वहां पर गोल्ड कप में सिर्फ फाइनल मुकाबला खेला जाना बाकी है। वहीं अन्य स्टेट में भी स्टेट लीग जारी है और बाकी के कुछ राज्यों में भी टूर्नामेंट्स का आगाज जल्द होगा। गाइस, पूर्णिया के DSA ग्राउंड पर शनिवार को पूर्णिया चैलेंजर्स लीग का आगाज हुआ। पहला मैच महाकाली सुपर जायंट्स और ब्रह्मोस बॉम्बर्स के बीच खेला गया। मैच में सबसे पहले सुपर जायंट्स की टीम ने टॉस जीतकर के बैटिंग करने का फैसला किया। महाकाली सुपर जायंट्स के लिए साकिब उल्गानी, विजय भारती और सचिन कुमार सिंह ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। विजय भारती ने 50 गेंदों में 7 चौके और 10 शानदार छक्कों की बदौलत कुल 106 रन ठोके। वहीं साकिब उल्गानी ने 35 गेंदों में 5 चौके और 12 छक्कों की बदौलत शानदार 101 रनों की आतिशी पारी खेली। वहीं सचिन सिंह ने भी बॉम्बर्स की टीम के गेंदबाजों को जमकर धोया। सचिन ने 21 गेंदों पर 3 चौके और 9 शानदार छक्कों की बदौलत 71 रन बना डाले। तो निश्चित तौर पर दोस्तों, ये जो तीनों बल्लेबाज हैं, बेहद ही कमाल की बल्लेबाजी इनके तरफ से देखने को मिली और इन आतिशी पारियों के बदौलत सुपर जायंट्स ने 21 ओवरों में 323 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। इन्होंने 4 विकेट खो दिए थे दोस्तों, लेकिन ये जो विशाल स्कोर है उसके आगे बॉम्बर्स की टीम बिल्कुल भी टिक नहीं पाई। जवाब में बॉम्बर्स की टीम 18.5 ओवरों में 170 रन पर ऑल आउट हो गई। आपको बता दूं कि टीम के लिए शशांक उपाध्याय ने 46 और चिरंजीवी ठाकुर ने 35 रन बनाए। सुपर जायंट्स की ओर से साकिब उल गानी ने बेहतरीन बल्लेबाजी के बाद 3 विकेट भी चटकाए। सचिन कुमार सिंह ने भी 2 विकेट लिए और इसके अलावे इजहार को भी 2 विकेट मिला और सुपर जायंट्स की टीम ने इस मैच को 153 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। इसके अलावा गाइस, उत्तराखंड में गोल्ड कप के नॉकआउट मुकाबले चल रहे हैं, जहां रेलवेज ने पहले सेमीफाइनल मुकाबले में फूड कॉरपोरेशन को 7 विकेट से हराकर फाइनल मुकाबले में जगह बना ली है। दूसरे सेमीफाइनल मैच में परिवंश आर्या के 140 गेंदों में खेली गई 206 रनों की शानदार डबल सेंचुरी से स्पोर्टिंग क्लब ने LBS एकेडमी को 4 विकेट से हराकर फाइनल मुकाबले में जगह बना ली है। इसके अलावा सौराष्ट्र में भी SPL शुरू हो चुका है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप वीडियो को फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो हमें फॉलो करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप हमें अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। गाइज, अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल पे देख रहे हो तो हमें सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड बी सेफ एंड आई लव यू ऑल।